आज हम बना रहे हैं बसारी मछली, जो कि एक तरह का रेहू ही मछली होता है, लेकिन ये गंडक नदी में पाया जाता है। थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है, कलर भी इसका थोड़ा ग्रीनिश टाइप से होता है, यानी कि ग्रे टाइप का होता है। तो आज हम इस मछली को बनाएंगे। यहाँ पे हमने 3 मछलियाँ ली हैं, जो कि टोटल लगभग 1 किलोग्राम 300 ग्राम था, 1 kg 300 ग्राम था, 1.5 kg से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक मछली लो कट गई, अब ये दूसरी है और ये तीसरी कट रही है। तीनों मछली एक एक करके हम यहाँ पे काट लेंगे पहले अच्छे से, इसका सारे छिलका हटा के। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम मछली बना रहे हैं बिना तले हुए, वो भी बड़ी मछली। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, इसको पहचान। सोरी मछली को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका जो कलर है और इसके माउथ के पास बहुत सारा छोटा छोटा दाना रहता है, फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर के बाद बीच से उठा हुआ होता है। ये टोटल 3 मछली कट गया है। ये 1 kg 300 ग्राम मछली है और इसको हम लोग अच्छे से धोएंगे। जनरली मछली को हम 3 पानी से धोते हैं, 3 बार धोते हैं। तो ये लास्ट टाइम है, हम तीसरे बार धो रहे हैं इसको। बात करें रेट की, तो ये आपको अगर ताज़ी मछली गंडक के नदी से ले रहे हैं, एकदम ताज़ी जिंदा मछली ले रहे हैं, तो ये 200 से लेके 250 300 तक पड़ता है, डिपेंड ऑन कि ये किस साइज़ की मछली है। जनरली 200 से 300। ये गंडक नदी की ताज़ी मछली है और ये अभी तुरंत तुरंत मछुआरे से लेके आया गया खरीद कर। हम इसमें सरसों का मसाला मिक्स करेंगे, बिना इसको किसी भी तरह का फ्राई नहीं करना है। इसमें सरसों, हल्दी, मिर्ची, लहसुन, गोल मिर्च और साथ में थोड़ा सा जीरा का पेस्ट, इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसमें नमक भी मिला लेंगे हम और हल्दी, इस सब को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। फिर यहाँ पे हमने तेल लिया है, शुद्ध सरसों का तेल लिया है। इसमें हम पचफोरन को, मैं पहले भी कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि पचफोरन में हम क्या क्या यूज कर ली। पचफोरन में हम जीरा, अजवाइन, सौंफ, मंगरेल और सरसों यूज करते हैं। तो चूँकि हमारे पास अभी ये जो कटोरी था वो काफ़ी छोटा था, तो उसमें इतनी सारी मछलियाँ को मिलाना अच्छे से नहीं हो पाता, चूँकि हमें इसे मिला के छोड़ना भी नहीं था। जैसे हम करते हमें तुरंत फ्राई करना था, इसलिए हम डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डाल दिए और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों आज बिना फ्राई किए बहुत ही टेस्टी मछली बनने वाला है। अगर आप भी इसको जानना चाहते हैं कि बिना फ्राई किए आप कैसे बना सकते हैं मछली, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे लगभग 2-3 मिनट पे, लगभग हर 3 या 5 मिनट पे धीमी आंच पे। इसको हमें बहुत आहिस्ते से, बहुत नाजुक तरीके से इसे पलटना है, नहीं तो क्या होगा, ताज़ी मछली है और बिना फ्राई किए हम बना रहे हैं तो मछली का पीस टूट सकता है। लगभग आधे घंटे बाद ये ऐसा बन के तैयार हो चुका है, इतनी अच्छी कलर आई है। आप भी इसको बनाइए और खाइए, बिना फ्राई किए भी मछली बहुत टेस्टी लगता है,